Let's call it in the crossfire. What is up guys, welcome back to the channel India Sonic. आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप 12 सुपरकार क्रैशेस इन इंडिया। आज भी सुपरकार्स और एग्जॉटिक कार्स काफ़ी रेयर हैं इंडिया में और लोगों को इनकी पावर का अंदाज़ा नहीं रहता। तो अगर कोई न्यू या इनएक्सपीरियंस ड्राइवर इन्हें चलाता है और शुरुआत में ही स्पीडिंग करने की कोशिश करता है तो ये हालत हो सकती है। ये कार्स ट्रैक पर चलाने के लिए बनाई जाती है ज़्यादातर, और रोड पर चलाने में अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो लाखों का ही नहीं बल्कि करोड़ों का नुकसान हो सकता है। आज इस लिस्ट में हम वैसे ही कुछ इंसिडेंट्स देखने वाले हैं जहां इन महंगी और ओवरपावर्ड गाड़ियों को ड्राइवर्स नहीं संभाल पाते और क्रैश कर देते हैं। तो चलिए अब हम लिस्ट शुरू करते हैं। नंबर 12 पर हम देखेंगे BMW X5 का एक्सीडेंट जो हुआ है मुंबई में। ये कार सिद्धार्थ शुक्ला की है जो एक TV एक्टर है और बिग बॉस शो के विनर भी रह चुके हैं। ये अपनी कार से ओवर स्पीडिंग कर रहे थे जब इन्होंने कार का कंट्रोल खो दिया और 3-4 गाड़ियों में जा टकराए। गाड़ी इतनी ज़्यादा तेज़ी से चलाई जा रही थी कि गाड़ियों से टकराने के बाद भी कार डिवाइडर पर चढ़ जाती है। एक्टर के ऊपर रैश ड्राइविंग के चार्जेस भी लगाए गए। इस कार की प्राइस 85 लाख इंडियन रुपीज़ है जो अब मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन में पड़ी हुई है। नंबर 11 पर है ऑडी TT का एक्सीडेंट जो हुआ है केरला में। ये ऑडी की सबसे छोटी स्पोर्ट्स कार है पर पावर इसमें भी काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर होता ये है कि एक कॉलेज शो में ड्राइवर इस कार से डोनट्स करने की ट्राई करता है, पर वो अवेलेबल स्पेस में ये स्टंट मैनेज नहीं कर पाता और साइड में जो स्टूडेंट्स खड़े हैं उनमें जा टकराता है रेलिंग तोड़ने के बाद। 3-4 स्टूडेंट्स को हॉस्पिटलाइज किया गया और कुछ को फ्रैक्चर्स भी हुए। ड्राइवर के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है और कार को पुलिस ने सीज कर दिया। ड्राइवर की छोटी मिस्टेक की वजह से लोगों को इतनी चोटें आई और कार पर भी भारी नुकसान हुआ। ऑडी TT की प्राइस 78 लाख इंडियन रुपीस है। नंबर 10 पर हम देखेंगे मर्सिडीज एस क्लास का एक्सीडेंट जो हुआ है महाराष्ट्र में मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर। क्रैश का रीज़न है ओवर स्पीडिंग। अब एक्सप्रेसवेज और नेशनल हाईवेज पर तो गाड़ी तेज़ ही चलानी पड़ती है, पर इतनी भी ज़्यादा नहीं कि गाड़ी का कंट्रोल ही खो बैठें। यही चीज़ हुई है यहाँ पर भी। एस क्लास को स्पीड लिमिट से बहुत ही ज़्यादा ऊपर चलाया जा रहा था और ड्राइवर लेन चेंज करते वक्त रोड के साइड में जा टकराया। काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है गाड़ी को फ्रंट और लेफ्ट साइड से, जो शायद अब रिपेयर के भी पार है। इस कार की प्राइस 1.2 करोड़ इंडियन रुपीस है। नंबर 9 पर है DC अवंती का एक्सीडेंट जो हुआ है दिल्ली में। यहाँ पर कार में रात के टाइम ओवर स्पीडिंग की जा रही थी जब एक टर्न पर स्पीड कम ना करने की वजह से गाड़ी स्लाइड कर गई और एक पोल से जा टकराई। इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि गाड़ी का पिछला टायर ही बाहर आ गया। इस कार की प्राइस 35 लाख इंडियन रुपीज़ है। नंबर 8 पर है बेंटली आर्नाज जिसका एक्सीडेंट हुआ है मुंबई में। ये एक विंटेज लग्जरी कार है जिसकी प्राइस 2.25 करोड़ इंडियन रुपीस है। अपने टाइम पर यह बहुत ही पॉपुलर हुआ करती थी और अब इसे ऐसे देखकर काफ़ी दुख होता है। नंबर 7 पर हम देखेंगे ऑडी Q7 का एक काफ़ी बुरा एक्सीडेंट जो हुआ है गुजरात के सूरत सिटी में। ड्राइवर गाड़ी को काफ़ी तेज़ चला रहा था जब एक शार्प टर्न आया जो उसे दिखाई नहीं दिया और वो कंट्रोल खो बैठा। गाड़ी स्लाइड होकर रोड से बाहर चली गई और ऑलमोस्ट पलटने से बच गई। कार के सारे कर्टन एयरबैग्स खुल गए जिसकी मदद से अंदर बैठे हुए पैसेंजर्स बच जाते हैं, पर गाड़ी में हम काफ़ी डैमेज देख सकते हैं। इस कार की प्राइस 80 लाख इंडियन रुपीज़ है। नंबर 6 पर है Porsche Cayman जिसका एक्सीडेंट हुआ है चेन्नई बैंगलोर हाईवे पे। कार को Porsche की 70th एनिवर्सरी पार्टी पर ले जाया जा रहा था जब स्लिपरी रोड की वजह से गाड़ी स्लाइड होकर डिवाइडर पर चढ़ जाती है।
कार की प्राइस 85 लाख इंडियन रुपीस है। अब आते हैं नंबर 5 पर, जहां है जैगुआर XF का एक काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट जो हुआ है मुंबई में। इसमें ड्राइवर ड्रंक ड्राइविंग कर रहा था जब उसने कंट्रोल खोकर 6-7 पार्क की हुई गाड़ियों में अपनी कार ठोक दी। तब वहां से बच के भागने की कोशिश में ड्राइवर ने दूसरे बाजू पार्क की हुई कार में भी अपनी कार ठोक दी। 2 जन इंजर्ड भी हो गए, जिन्हें तुरंत हॉस्पिटलाइज किया गया। ड्राइवर कार से बाहर नहीं निकल रहा था तो लोकल्स ने गाड़ी को काफ़ी डैमेज पहुंचाया, जैसे आप देख सकते हैं। रूफ और सारे विंडोज़ टूट चुके हैं गाड़ी के। इस कार की प्राइस 60 लाख इंडियन रुपीज़ है। नंबर 4 पर है एक और पोर्शा केमैन का एक्सीडेंट जो हुआ है हैदराबाद में। इस कार की प्राइस भी अराउंड 85 लाख इंडियन रुपीज़ है। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो गाड़ी चला रहा था वो कार का ओनर नहीं बल्कि सर्विस मैकेनिक था, जो ओवर स्पीडिंग करते हुए कंट्रोल खो बैठा और गाड़ी स्लाइड करके एक पोल से जा टकराई, जिसकी वजह से पीछे बाजू कार को भारी नुकसान हो गया। नंबर 3 पर है एस्टन मार्टिन वैंकुश का एक्सीडेंट जो हुआ है दिल्ली में। रात के टाइम पर ड्राइवर ओवर स्पीडिंग कर रहा था जब उसे रोड के बीच का डिवाइडर नहीं दिखा और वो उसमें जा टकराया। गाड़ी का फ्रंट लेफ्ट पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। इस कार की प्राइस 3.85 करोड़ इंडियन रुपीज़ है। नंबर 2 पर हम देखेंगे BMW M2 का एक्सीडेंट जो हुआ है केरला में। अब ये BMW के M लाइनअप में एंट्री लेवल कार है, पर पावर इसमें भी स्पोर्ट्स कार जैसी ही है, जिसको ध्यान से ना यूज़ किया गया तो कुछ ऐसा हो सकता है। कार सिर्फ रियर व्हील ड्राइव होने की वजह से ड्राइवर गाड़ी का कंट्रोल खो बैठा और ड्रिफ्ट करते हुए फुटपाथ पर चढ़कर एक दीवार से जा टकराया। उस समय रोड भी बिल्कुल खाली था। इस कार की प्राइस 90 लाख इंडियन रुपीज़ है। अब आते हैं नंबर 1 पर, जहां पर हम देखेंगे एक फरारी GT4 लूसो का एक्सीडेंट जो हुआ है हैदराबाद में। इस कार का ड्राइवर बिजी रोड पर काफ़ी ज़्यादा ओवर स्पीडिंग कर रहा था, तब वो गाड़ी का कंट्रोल खो बैठा और फुटपाथ पर टकराकर 2-3 बार गाड़ी घूम गई। इस इंसिडेंट में फुटपाथ पर चलने वाले एक वॉचमैन की मौत हो गई। गाड़ी का ड्राइवर हैदराबाद का एक बड़ा बिजनेसमैन था, जो जल्दी वहां से भाग गया गाड़ी को इस हालत में छोड़कर। इस कार की प्राइस 5 करोड़ इंडियन रुपीज़ है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, जैसे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ मैं काफ़ी सारा कंटेंट पोस्ट करता हूँ जो यूट्यूब पर नहीं कर पाता। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में।